आपका स्वागत है। आज एक खास दिन है। 1919 में हुए बैसाखी के दिन के नरसंहार की आज प्रथम शताब्दी है। इस पर आपको चर्चा में मिलाएंगे कॉमरेड स्वर्ण सिंह विर्क और जगदीश चोपड़ा जी से। दोनों इतिहास के विषयों के माहिर हैं और इस पे हमें बहुत बढ़िया जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं जगदीश चोपड़ा जी से। तो चोपड़ा साहब, आज के दिन की जो पूर्व में घटनाएं हुई उनके कारण और जो भी था उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। जलियांवाला बाग की ये त्रासदी जो आज से एक शताब्दी पूर्व घटित हुई थी, यह हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की क्रूर और घृणित, सर्वाधिक घृणित कांड था, जिसको बहुत ही दर्द और पीड़ा से स्मरण किया जा रहा है। जहां पे ये एक इंसान के रूप में अंदर बैठे हुए भेड़िए को उजागर करता है, उसी के साथ देश और समाज जीवन की वास्तविकता और यथार्थ भी सामने लाता है। इसके कारण में अगर हम जाएं तो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उस समय भले ही गांधी जी राजनीतिक पटल पर आ चुके थे, लेकिन पंजाब की जो मूलभूत तासीर थी वो गांधी जी के विचार से सहमत नहीं लगती थी। यहाँ के उस समय सर्वमान्य नेता थे लाला लाजपत राय, लेकिन अंग्रेज ने उनसे भयभीत होकर उनको निर्वासित कर दिया था। ज्यों ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ, अगर लाला लाजपत राय जी यहाँ पर होते तो शायद वो स्थिति को संभाल लेते। महात्मा गांधी जी ने उसके विरुद्ध अभियान तो छेड़ा, लेकिन पंजाब में सिर्फ उनके 10-12 ही शपथ पत्र भरे गए, बाकी सारी की सारी जनता जो थी वहां के देशभक्तों के साथ थी। अमृतसर में उस समय डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दो सर्वमान्य नेता थे। जब उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए तो लोग भड़क गए। एक वहां पे बहुत ही हैरानी वाली जो बात उभर कर आई कि जो ही ये पीक आवर्स आ रहे थे, 9 अप्रैल को रामनवमी थी, रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली, आज के दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती कि उस रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और वो लगभग कहा जाता है कि उसकी संख्या 30,000 से 35,000 थी। और सबसे जो बड़ी बात थी कि उसका जो नेतृत्व था वो एक मुस्लिम डॉक्टर बशीर कर रहे थे घोड़े पर बैठकर। समाज की एकता और एकजुटता कितनी ज्यादा गहरी थी इससे ये प्रतिबिंबित होता है। लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ी, 10 तारीख को वहां पे 20-25 के बीच में जो लोग थे वो पुलिस की फायरिंग में मारे गए, और भीड़ ने जब आक्रमण किया तो 5 यूरोप के लोग भी वो भी मारे गए। जो एडवायर था उसने मार्शल लॉ लगाया और उसी के साथ ही घोषणा कर दी कि जो भी बाहर निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उससे सभी की जो भावनाएं थी देशभक्तों की बहुत आहत हुई, और 2 घंटे की सिर्फ गैप पर उन्होंने कॉल दी और जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने के लिए। और ये भी आश्चर्य की बात है कि उस समय लगभग 30,000 से 35,000 तक के लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, जबकि कोई साधन नहीं था लोगों को ये प्रेषित करने के लिए कि आप वहां पे आइए, या प्रेरित करने के लिए। तो उसकी इको इतनी हर्ट हुई कि उसके अंदर का राक्षस जाग गया एडवाइर का, और उसने लाकर वहां पर फायरिंग शुरू की जो निरंतर चलती रही। बाद में भी जब उसको पूछा गया कि तूने फायरिंग करी क्यों करी, वहां पे तुझे किस बात का खतरा था, भय किस बात का था, तो उसका तर्क ये था कि अगर मैं फायरिंग करके 10-5 लोगों को मार के छोड़ देता तो ये हमारे पर अटैक कर देते और हमें मार देते। और इतनी बड़ी संख्या में ऐसी भयावह और इतनी दर्दनाक अमानवीय घटना हुई, ये हमेशा हमेशा के लिए जब तक सृष्टि रहेगी अंग्रेज कौम पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा रहेगा, और हिंदुस्तान के इतिहास में इसको हमेशा श्रद्धा और सम्मान से स्मरण किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता
जो उस समय राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रवाद और देश के प्रति समर्पण का भाव था, आज बहुत आवश्यकता है कि हम उससे प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति ऐसा ही भाव उजागर करें ताकि देश का हम भलीभांति निर्माण कर सके। चोपड़ा साहब ने बहुत ही बढ़िया से हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस इवेंट के बारे में बताए, लेकिन अगर उससे थोड़ा और पीछे चले तो जितने भी प्रोटेस्ट थे वो आमतौर पर ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए थे। उससे पहले जो मुगल कालीन था उसमें तकरीबन लोगों ने प्रोटेस्ट इस तरह के नहीं किए थे, जिसके बारे अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज राज करने आए थे और मुगल जो यहाँ पे आए थे उनका कुछ और नजरिया था। इस पर विर्क साहब हमें बता पाएंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि मुगल शासन कैसा था या अंग्रेज शासन कैसा था, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भ्रांतियां हैं हमारे लोगों के मनों में, जो ये बात कही जाती है कि 800 साल की गुलामी का अंत हो गया, मैं गुलामी मुगल शासन वो तो ऐसे ही थे, कभी हुण आए, कभी सिथियन आए, कभी कुषाण आए, उनसे भी पहले कभी आर्यन आए, इसी तरह मुगल आए और इसी मिट्टी के हो गए। मुगलों के शासन में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये सांप्रदायिक दंगे भिन्न भिन्न समुदायों में सांप्रदायिक भेद, जाति विभेद, ये ब्रिटिश पीपल ने उछाले, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और इसी वजह से जिस दिन, जैसे चोपड़ा साहब बता रहे थे कि वो रामनवमी के त्योहार पर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, बाजारों में घूम रहे थे, तो सबसे ज्यादा सरकार को पीड़ा इसी बात से हुई, सांप्रदायिक सौहार्द से। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उन दिनों में अमृतसर में भी लोग लगातार संघर्ष के मैदान में रहे, और गांधी जी के उस सत्याग्रह का पंजाब में भी व्यापक असर हुआ। यहाँ लोगों ने लगातार अपनी दुकानें बंद रखी, काम छोड़ा, अमृतसर के अलावा लाहौर में भी लगातार, जब से रॉल्ट एक्ट आया, ये रॉल्ट एक्ट सबसे बड़ी समस्या थी, और रॉल्ट एक्ट लाने के लिए उनकी मजबूरी ये थी कि पहले तो DIR था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, युद्ध के दिनों में DIR था, अब उसको ग्रस्त होने जा रहा था। युद्ध के दौरान ही जो पंजाबी भारतीय प्रवासी कनाडा अमेरिका में गए, उन्होंने वहां गदर पार्टी बनाई, और गदर पार्टी के नेतृत्व में 6000 लोग गदर करने के लिए, सेना को साथ जोड़कर सशस्त्र क्रांति करने के लिए देश की ओर आ रहे थे। वो यहाँ पकड़े गए, बहुतेरों को फांसी, उम्र कैद, काले पानी, जायदाद जब्ती, बहुतेरों पर उन्होंने वो बैठा दी, वो लगातार जेल निगरानी रहे। तो सरकार उससे भयभीत थी कि यदि वो विद्रोह सफल हो जाता, सरकार 1857 से भी भयभीत थी, और इस विद्रोह को वो समझ रहे थे कि कहीं 57 की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए कठोर दमनात्मक कार्रवाइयां उनके एजेंडे पर थी। ओल्ड वायर जो था उसने लाहौर में ये फैसला कर लिया था कि अब सबक सिखाने का समय है। जिस दिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने उसे, इरविंग ने लिखा कि शहर हमारे हाथों से गया, तो ये 4-5 दिन लगातार आंदोलन चला, लगातार दुकानें बंद, लगातार हड़ताल। तो फिर जब उसको सेना के सुपुर्द किया गया तो डायर आया, डायर का भी जो ब्रिटिश शासन था भारत पर, वो 2-3 बातों पर टिका था। पहली बात थी नस्ली सर्वोच्चता, वो समझते थे कि ब्रिटिश इज द रियल रेस, हम ही हैं दुनिया में सभ्य, और इन लोगों को जो पछड़े हैं इनको सभ्यता का, संस्कृति का पाठ पढ़ाने आए हैं, अपनी नस्ल का अभिमान। और दूसरा उनका शासन जो है वो दमन के हिसाब से, कि कैसे दमन किया जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ ये क्रूर कार्रवाई इस रूप में की कि हमारे 2000 के लगभग लोगों की संख्या भी कही जाती है जो वहाँ हताहत हुए। 3 घटनाएं हमारे इतिहास में ऐसी मिलती हैं, ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने पिछले दिनों लिखा कि 1857 में ऊपर अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, अजनाले के लाहौर से पूर्व के जो सैनिक, जिनको पूर्वीय कहा जा रहा था, वो विद्रोह करके रावी के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे दूसरे विद्रोहियों से मिलने, उनको घेर कर अजनाले के थाने में लाया गया। वहां उनको रात में, कुछ को हवालात में और बाकी बच्चों को एक बुर्ज में कैद किया। दिन को खोला गया तो बुर्ज के 45 लोग बिना पानी, बिना हवा, गर्मी का महीना था,
वो वहां मारे गए, बाकी गोलियों से अब आए। ये वो क्रूर कार्रवाई अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कूपर की थी 1857 में, और 1872 17-18 जनवरी को 66 नामदारियों को बलेर कोटला में तोपों द्वारा बिना मुकदमा चलाए यकदम उड़ा देना, वो कामन की कार्रवाई थी। और इसी लड़ी में तीसरा बदनाम नाम जो है वो जनरल डायर का जुड़ गया, जिसने बिना किसी चेतावनी के सीधे गोलियां चलाई और इतने लोगों को हताहत किया। इसलिए ये ब्रिटिश का जो शासन था वो दमन पर आधारित था, नस्ली भेदभाव पर आधारित था, और भारतीय लोगों की एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए, और जो अलग अलग पहचान है ये भी ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने तैयार की, अलग अलग जो डिफरेंट इलेक्टोरेट, इस तरीके से वो पहचान इतनी गहरी हुई कि 1947 की त्रासदी हुई और आज तक हमारे देश में ये समस्या कोई ना कोई विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आ जाती है। तो उन शहीदों को जब हम याद करते हैं तो हमें सबसे बड़ी इस बात को याद रखना चाहिए कि हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, मेल जोल बनाए रखें। दूसरा, उस समय आम लोग हरकत में थे, आम जनता जो थी वो लड़ाई के मैदान में थे, सभी लोग लड़ रहे थे। इसका यह भी सबक है कि सबको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। रॉल्ट एक्ट अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए था, और आज भी अब व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में खतरे में है। इस स्वतंत्रता के विरुद्ध लड़ना जलियांवाला बाग के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप दोनों बुद्धिजीवी हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद।